नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य कल रात से दांत के दर्द से जूझ रहा था, जिसके बाद रविवार सुबह जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया, जहां पुलिस की सुरक्षा के साथ दंत चिकित्सक में पुलकित आर्य का परीक्षण करवाया गया। इस दौरान दंत चिकित्सक डॉक्टर सालनी ने बताया कि पुलकित आर्य को दांत का दर्द था, जो कि कैविटी के चलते था। उन्होंने बताया कि पुलकित आर्य को 5 दिन की दवाई दी गई है। उसका नाम पुलकित आर्य था, उसके ऊपर के दांत में कैविटी थी, जो कि रूट किनाल ट्रीटमेंट के लिए उसे आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए बोला गया है, और बाकी उसको पेन था, तो हमने अभी उसे 5 दिन की दवाइयाँ दे के बुलाया। टिहरी गढ़वाल के सीतापुर के पास जंगल गदेरे मोड़ खाला के पास तेज बारिश के कारण अचानक पानी बढ़ गया, जिससे पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित अस्थायी पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आसपास घूमने आए हुए लगभग 40-50 लोग फंस गए। मौके पर राजस्व टीम, पुलिस व SDRF पटवारी ने पहुंचकर सुरक्षित सभी लोगों को रेस्क्यू किया। रुड़की कोट से मंगलोर की ओर जा रहे बाईपास पर खटका गांव के पास सड़क दुर्घटना में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई, जिसके बाद कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। आसपास थाना क्षेत्र से पुलिस को भी बुलाना पड़ा। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में खटका के पास मनोज उम्र 26 वर्ष पुत्र मेवाराम निवासी धौलपुरा कम्बोजपुरा जिला धौलपुरा राजस्थान व अनिल पुत्र शांति नंदन उम्र 22 वर्ष निवासी हार हाथी थाना नांगला सिंधी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की मौत हो गई, जिसके बाद कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया। सिविल लाइंस कोतवाली के साथ आसपास के थानों की फोर्स को भी घटनास्थल पर बुलाया गया, जिसके बाद उनको समझाकर शांत किया गया। वहीं दुर्घटना में घायल एक और कांवड़िया प्रदीप पुत्र बंसीलाल निवासी नांगला आगरा को सिविल अस्पताल भेजा गया, जहाँ से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। ऋषिकेश IDPL में आवासीय भवन के ध्वस्तीकरण को लेकर बवाल हो गया। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। कंपनी के GM का आवास JCB से तोड़ने पर सुरक्षा कर्मियों के साथ आंदोलनकारियों की हाथापाई भी हुई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया। जाम के कारण पुलिस को हरिद्वार और ऋषिकेश आने वाले ट्रैफिक को बाईपास रोड पर डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं IDPL में कार्रवाई को रोकने की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने दिन भर जमकर हंगामा किया। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।